सीरिया में राहत सामग्री पहुंचाने वाले एक रूसी हेलीकॉप्टर MI-8 को फायरिंग कर मार गिराया गया। हेलीकॉप्टर को सीरियाई प्रांत इदलीब में उस वक्त निशाना बनाया गया जब राहत सामग्री उतारने के बाद वापस जा रहा था। इस हेलीकॉप्टर में सवार सभी लोग इस हमले में मारे गए। रूसी रक्षा मंत्रालय के बयान के मुताबिक हेलीकॉप्टर राहत सामग्री उतारकर क्वेमिम स्थित रूसी हवाई अड्डे की ओर लौट रहा था। बयान में आगे कहा गया है, अलेप्पो में राहत सामग्री उतारकर लौट रहे MI-8 परिवहन हेलीकॉप्टर को 1 अगस्त को इदलीब प्रांत में जमीन से की गई गोलीबारी में मार गिराया गया। हेलीकॉप्टर में चालक दल के 3 सदस्य और रूसी रिंक सिलिएशन सेंटर के 2 अधिकारी सवार थे। गौरतलब है कि अप्रैल में रूस का एक और हेलीकॉप्टर MI-28N तकनीकी खराबी के चलते होम्स शहर के नजदीक दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। इस हादसे में भी दोनों रूसी चालकों की मौत हो गई थी। NMF न्यूज की रिपोर्ट।